आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग आई पी एल लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी ली इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है आई आईपीएल में जितना पैसा है जितना एक्सपोजर है आ, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आई पी खेलें और आई का कितना रोल है इसमें देखिए आई पी एल का एलिफेंट इन द रूम वाली बात है कोई इसको एड्रेस करता नहीं प्रीमियर लीग बिल्कुल तो इसलिए कि सारे जो है वो जुड़े हुए हैं हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है पैसे हैं फिर उसके बाद जो एड्स बहुत मिलते हैं तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आई सी सी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आई पी एल का नाम ना लें तो ये तो बड़ी ना इंसाफी वाली बात होगी कि आई पी एल एक ऐसी लीग है जहां पे इतना पैसा जाता है प्लेयर्स पे और तो उनको रिटर्न मिलता है सात प्लेयर है सात खिलाड़िया आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी आई खेलते खेलते आई की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये सात खिलाड़ी अरबपति हो गए अरबपति और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई इसलिए दबाव में है बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जाए वो कहते नहीं है मगर अगर आप मुझसे कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें जवाब को एक शौक से जिसको हर प्लेयर खेलना चाहता है और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाही दी है वो अब अस्सी अरब रुपया अब अगर पाकिस्तानी रूप में कन्वर्ट करें इसकी कदर के साथ मिला है, रुपी की कदर के के साथ साथ पाकिस्तान की तो क्या बनेगा फिर तो 240 बिलियन पीएसएल तो नहीं दे, दे। आईपीएल का रूम वाली बात है कोई इसको एड्रेस करता नहीं प्रीमियर लीग बिल्कुल तो इसलिए सारे जो है वो जुड़े हुए हैं हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है पैसे हैं फिर उसके बाद जो एड बहुत मिलते हैं Uh, तो ये और फिर पावरफुल uh, वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है सो तो इसलिए दबाव में है बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो वो कहते नहीं हैं मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब हो बट आई गेस प्रेशर है इसलिए कि देखें ना उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं उनको एक तरह से पीआर एक्टिविटी आप देखें ना कितने हंस हंस के आज वो खेलते हैं जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं इसलिए कि वो जो एक ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट हो और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना वो ख़त्म कर दिया है आई में जाके क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहाँ लगाना है किस तरह से सर्वाइव करना है और सर्वाइव में जो है वो स्माइल रखेंगे तो अपना डी इन्होंने कर दिया पैसे की खातिर मैं तो ये कहूँगा। और आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी ली इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है जितना एक्सपोजर है वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है दूसरा उस पैसा बहुत ज्यादा है एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली मिस तो करते हैं पाक, पाकिस्तानी प्लेयर्स तो so अभी तो रिसेंट पास में जो हमने देखा उसकी तो अभी कोई उम्मीद नहीं हमें नजर आती आ, बट जो मेगा इवेंट्स हैं उसमें तो फिर खेलना ही पड़ता है पाकिस्तान इंडिया वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है पूरी दुनिया समझती है इस चीज को कि अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आई का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आई एक ऐसी लीग है जहा पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे और इतनी ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलते। आई पी एल में ये हम बात करेंगे तनख्वाह की मैं उनको खुशकिस्मत कहूंगा हम इसलिए खुशकिस्मत कहते हैं कि साढ़े नहीं होता ठीक है ना साढ़े को मिलियन भी नहीं है और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें इंडियन रुपीज में बात करें इंडियन रुपीज में बात पाकिस्तानी तीन गुना ज्यादा ये तुम देखो कि सात प्लेयर हैं सात खिलाड़िया आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी आई खेलते खेलते आई की फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से खेलते हुए उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये सात खिलाड़ी अरबपति हो गए अरबपति सिर्फ और सिर्फ उनकी कहीं और चीज़ हो कहीं और से कमाया हो उसकी मैं बात नहीं करता सिर्फ बोर्ड से इंडियन बोर्ड से और, और, वैं और बोर्ट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और जो आईपीएल की तरफ से खेलते हुए आईपीएल की फ्रेंचाइज से तनख्वाह तनख्वाह लेते हुए सैलरी लेते अरबपति हो गए अब ये सात प्लेयर हैं उसमें से पांच तो इंडियंस हैं दो ओवरसीज हैं अब इस पे जो रोहित शर्मा है जो इंडियन क्रिकेट टीम का भी कप्तान है रोहित शर्मा जो है ना वो अब तक 2008 से 2023 तक टॉप पे तो ये जा रहा है एक अरब अट्ठासी अठहत्तर करोड़ साठ लाख इंडियन तक इंडिया एक रुपे रुपे। अरब अठहत्तर अब पहले उससे पहले बताना चाहिए था कि ये सात प्लेयरों ने अब तक नौ अरब अट्ठावन करोड़ रुपया कमाया है नौ अरब अठावन करोड़ रुपया तनख्वाओं के जुमरे में और जितने भी आई पी एल की फ्रेंचाइजीज है ना उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनखाए दी है वो अब तक अस्सी तो अरब रुपया अस्सी में से ये सात प्लेयर वो हैं जिनको हम अरबपति कह रहे हैं जो वाकई अरबपति हो गए उन्होंने नौ अरब अठावन करोड़ रुपया उनकी तनख्वाह परसेंट से ज्यादा तो यही ले गए बारह परसेंट बंद है बारह परसेंट बारह परसेंट ये सात बंदों ने लिया और तदाद सैकड़ों की होती है जो आई पी एल खेल अब वो अस्सी अरब रुपया जो इन्होंने तनख्वाहें दी है अब तक आई की फ्रेंचाइजीज ने अपने खिलाड़ियों को अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें इसकी कदर के साथ मिला है पाकिस्तान रुपये की कदर के साथ तो क्या बनेगा तो ये 240 बिलियन रुपी से ज्यादा बनेगा अब दो अगर हम भी अब देखो पहली जो मैं बात की रोहित शर्मा एक अरब अठहत्तर करोड़ साठ लाख जी दूसरे नंबर पर एम एस धोनी एक अरब छिहत्तर करोड़ चौरासी लाख तीसरा विराट कोहली एक अरब तिहत्तर करोड़ बीस लाख चौथे नंबर पे सुरेश रायना अनदर इंडियन एक अरब दस करोड़ चौहत्तर लाख फिर रविंद्र जडेजा एक अरब नौ करोड़ रुपया सुनील नारायण एक अरब सात करोड़ चौबीस लाख पहले आए नॉन इंडियन हाँ ए बी डिविलियर्स ये दूसरा नॉन इंडियन है ए बी डिविलियर्स एक अरब दो करोड़ इक्यावन लाख अब ये सात बंदे मैंने उन सात बंदों को निकाला जो एक अरब से ऊपर चले गए मैंने उसको भी टच नहीं किया जो निन्यानवे करोड़ पे खड़ा हुआ है अब विराट कोहली की भी बारह लाख रुपए पहला जो 2008 का आई हुआ था तो बारह लाख रुपए तनख्वाह मुकर हुई थी विराट कोहली की अब विराट कोहली की एट प्रेजेंट जब हम बैठे हुए पंद्रह करोड़ रुपए एक आई का वो ले रहा है क्या बात है बारह लाख से उसका सफल शुरू हुआ और पंद्रह करोड़ रुपया अब तो आप देखो कैसा रविंद्र जडेजा की पहली तनख्वाह जो थी ना लाख थी और आज उसकी सोलह करोड़ है विराट कोहली से ज्यादा बना रहे हैं अभी देखो ये उसकी मेहनत है इसमें कोई नेगेटिवली के हमारे में नहीं होना चाहिए हमको मैच फिक्सिंग डिस्कस नहीं कर मैच फिक्सिंग में हो तो बखी ये तो वो है मेहनत की कमाई है जैसे रोहित शर्मा था हाँ। उनकी जो पहली तनफा थी तीन करोड़ रुपया थी तीन करोड़ दो हजार दो हजार आठ में आज उनकी तनख्वाह जो है ना सोलह करोड़ है इंडियन रुपीस बार बार इंडियन इंडियन, रुपीस हम इंडियन रुपीस की बात हो रही है क्योंकि इंडिया दे रहा है आईपीएल दे रहा है जी हम तो नहीं दे रहे पीएसएल तो नहीं दे रहा है धोनी महंगा तरीन खिलाड़ी था उस वक्त का 2008 का बेशक छ करोड़ में उसको चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था और अभी तक रिटेन भी किया हुआ यही होती है कि यार ये जैसे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा बारह लाख रुपया पहली बेचारों की लाख तनख्वा सोलह करोड़ दोनों एक अरब सत्तर करो, सत्तर करोड़ पे विराट कोहली खड़ा है और दूसरा एक अरब नौ करोड़ पे खड़ा हुआ है रविंदर जैदा रविंदर जयदेद आपको सोच सकता था कि बारह लाख तनख्वाह पहली जिसकी मुकर हो अल्टीमेटली अरबपति होगा अरबपति हो जाएगा उसी तनखा सैलरी से, से उसी तनख्वाह की बेस पर हम तो बाकी उनको अपने अब्बा जी से पिताजी स्पॉन्सर स्पॉन्सर से कोई एंडोर्समेंट में कोई क्रिकेट बोर्ड मेहरबान होगा उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हम तो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहे हैं जो आईपीएल का ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें लिखा हुआ सैलरी तनख्वाह सुनील नारायण सिर्फ बारह साल में वो वन बिलियन इंडियन रुपीज कमा बैठे सिर्फ अपनी सैलरी से आईपीएल की लेकिन यार अमाउंट देखो उसको उनकी मेहनत का फल मिल रहा है तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया के सारे जितने पाकिस्तानी मीडिया है न्यूज़ चैनल है टीवी चैनल से सभी के होश उड़े हुए हैं और वो होश इसलिए उड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक स्टैट्स निकाला है आईपीएल का ही जो है वो रिपोर्ट है कि सात से आठ खिलाड़ी जो है वो दो से आई पी खेलते खेलते आज 2024 में वो अरबपति बन गए हैं सिर्फ आई खेल के बाकी उनको और कोई क्रिकेट खेलने की ज़रूरत ही नहीं है मतलब पाकिस्तानी मीडिया ने स्टार्ट निकाल लिया है और वो इतने मतलब अपने अंदर ले कर बैठे हुए हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलता आईपीएल अगर 2008 में जो आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेले थे शोयब मलिक शाहिद अफरीदी सारे मोहम्मद हफीज़ सारे खिलाड़ी खेले थे लेकिन जब से वो बैन हुआ उनका और वो तब से बैन ही रह गए और आज तक कभी भी आई में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल ही नहीं पाए और जो स्टार्ट निकला है उसमें बताया जा रहा है कि जो सात से आठ खिलाड़ी हैं वो करीब करीब दो अरब रुपया अब तक बारह सालों में चौदह सालों में आई में कमा चुके हैं जिनमें कि बड़े बड़े नाम है पहले नंबर पर रोहित शर्मा है दूसरे नंबर पर विराट कोहली है तीसरे नंबर पर एम धोनी है रविंद्र जडेजा सुरेश रैना और सोचो सुनील नारायण वेस्ट इंडीज़ के जो स्पिनर बॉलर हैं उनको कोई जानता तक नहीं था मतलब एक टाइम ऐसा था कि उनकी हाइप बनी हुई थी कि सुनील नारायण का जो एक्शन था जिस हिसाब से बॉलिंग करते थे उसके बाद जो उनका बैन लगा उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से और जिसके बाद उनको जो है सिर्फ आई खेलने के लिए जो इंडिया में जो चांस मिलता रहा और ना भी ना कि वेस्ट इंडीज़ में उनको खेलने के लिए कुछ भी मौका मिला और सिर्फ आई खेलते खेलते एक अरब बताया जा रहा है एक अरब कुछ तीस करोड़ रुपए या चालीस करोड़ रुपये अब तक कमा चुके हैं एक अरब रुपये मतलब सौ करोड़ से भी ज़्यादा डेढ़ सौ करोड़ रुपए कमा चुके हैं मतलब ये होती है आई की वैल्यू आई में खेलने का ये होता है परिणाम मतलब आई नेक्स्ट लेवल है भाई पैसे की खदान है हर किसी को मालूम है तो पाकिस्तान खिलाड़ी भी यही सोच रहे थे रात दिन बैठ के अपने रूम पे अपने घर पे चाहे कहीं भी घूमने जाए तो यही सोच रहे थे किसी तरह जो है वो बी सी और इंडियन गवर्नमेंट मान ले कि पाकिस्तानी प्लेयर को जो है आई खेलने का एक बार चांस दे दे तो भाई उन लोग की जो चांदी चांदी हो जाएगी मतलब बड़े बड़े जो नाम है साइन साफ रेदी बाबर आजम मोहम्मद रिजवान सादाब खान ये लोग तो कम से कम एक एक सीजन में पंद्रह पंद्रह करोड़ रुपए अठारह अठारह करोड़ रुपए में बिकेंगे और सिर्फ चार से पाँच आईपीएल खेलने के बाद ही ये लोग अरबों के मालिक हो जाएंगे तो जिस हिसाब से पाकिस्तानी मीडिया यही रोना रो रही है कि किसी तरह भारत जो है वो मान जाए और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनको आई खेलने का एक बार अपने लाइफ में चांस दे दे जिससे कि वो लोग भी जो ये रोहित शर्मा है सुनील नारायण है ए बी भी का भी इनमें नाम शामिल है जो कि अरब पति के लिस्ट में आ रहे हैं एक अरब और सात करोड़ रुपए कमा चुके हैं इन जितने भी आठ से नौ सालों का उनका आईपीएल का करियर था तो दोस्तों यही था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और हर कोई चाहता है कि आई में बस उसको दो से तीन सालों में खेलने को मिले और जिससे कि वो लाइफ टाइम अपने आजीवन जो है इतनी कमाई कर ले कि जिससे उसको और कोई क्रिकेट खेलने का ज़रूरत ही ना पड़े तो दोस्तों यही था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और रिएक्शन देख के बहुत ही अच्छा लगा और पता चला कि बी और आई का कितना पावर है वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि चैनल की रीच बहुत रुकी हुई है ना क्या यूट्यूब ने क्या कर दिया मेरे को तो समझ में ही नहीं आता बीस से तीस व्यूज़ के आगे बढ़ ही नहीं रहे और यही मेरे को दुख की बात लग रही है और इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों